बड़ी खुशी होती है बिकॉज मेरा वेब डेब्यू है, पहला वेब शो है, अलग किरदार है जो कभी ऐसा लोगों ने देखा नहीं। मुझे नॉर्मली एक परसेप्शन बन जाता है किसी के बारे में, चूंकि मेरी आवाज़ भरी है, मैं थोड़ा दिखने में ऐसा दिखता हूँ अल्फा मेल जैसा, तो शायद एक लोगों के मन में बहुत था कि नेगेटिव अच्छा करते हैं या नेगेटिव में रहेंगे या कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुआ। किसी ने ऐसा कैजुअल अप्रोच किसी ने देखा नहीं था, एंड देन मुझे ऑफर किया गया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा यार इसको अपने तरीके से करना चाहिए। और डायरेक्टर्स आर वेरी वेरी ब्रिलियंट, प्रियामणि ऑब्वियसली माय को-स्टार, बहुत अच्छी दोस्त भी मेरी पुरानी, तो एक अच्छी केमिस्ट्री थी सेट पे, बहुत लिबर्टी थी काम करने की, तो एक बड़ा मजा आया। और फिर अब जब इसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं तो और भी मजा आ रहा है। सर एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पूछ चुका हूँ कि आप काफी चूजी है प्रोजेक्ट्स को लेके स्टार्टिंग से। सर नहीं यार, मिलता नहीं है काम। हाँ नहीं सर, अरे इसमें क्या खासियत लगा? ये भी परसेप्शन है कि बहुत चूजी हूँ मैं, चूजी बिल्कुल नहीं है, मुझे काम नहीं मिलता ज्यादा। क्या खासियत लगा था जब आपको ऑफर हुई थी? मैंने वही बोला कि एक तो मुझे वो एक परसेप्शन थोड़ा ब्रेक करना था लोगों का, कि बहुत लोग आपको टाइप कास्ट कर देते हैं, आपको एक टाइप कास्ट भी नहीं है उनका, एक आपको जैसे आप दिखते हो या जैसे आप रेगुलर लाइफ में नॉर्मल लाइफ में दिखते हो ना, वो कहीं से आपको वहीं से गैदर करते हैं वो लोग। मेरा यह था कि नहीं यार मैं कुछ और हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा ऑन स्क्रीन मैं करता हूँ काम। सो आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा एक्साइटिंग था कि किरदार थोड़ा बहुत सिंपल सा है, बहुत नॉर्मल आदमी है, हर एक की लाइफ में यू कैन रिलेट टू इट, कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका एक कॉन्फिडेंट होता है जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जहाँ जो चीज़ें आप घर पर नहीं कर सकते बातें, या जो चीज़ें आप घर पर नहीं कर सकते बातों के अलावा भी, वो आप बाहर लोगों से, आपको अगर कॉफ़ी पीने जाना है, आपको रेस्टोरेंट जाना है, आप एक दोस्त को बोलते हैं ना चलना यार कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो एक वैसा किरदार है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर है जो ऐसा कभी किया नहीं था कैरेक्टर, तो बड़ा करने में मज़ा है, एंड वो दिखता है फिर जब आप शिद्दत से काम करते हैं तो लोगों को भी मतलब शायद दिखा, मेहनत दिखती है। हाँ मतलब मेहनत, मतलब इट वॉज फन डूइंग इट, रादर मैं मेहनत नहीं बोलूंगा, वो कैजुअलनेस लाना थोड़ा सा मेहनत होता है, वो बड़ा एक्टिंग ना दिखे और एक्टिंग भी कर रहे हो वो थोड़ा सा एक अलग जोन होता है, बट डायरेक्टर्स को जाता है उसका श्रेय, अगर तक वो ओके नहीं बोलेंगे तो मुझे तो नहीं मिलेगा। बट थैंक्स टू राजन डी के जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। खत्म। मैं मनुष्य से कल ही बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना एक्सेप्ट नहीं था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा, लेकिन किसी को नहीं था हमें से, हमें पता नहीं अच्छी सीरीज कर रहे हैं हम लोग, बट इतना ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स, इतना मतलब जबरदस्त रहेगा वो किसी को आइडिया नहीं था। मतलब तो हम मैं भी कल मनोज जी से यही बात कर रहा था, तो जैसी जबान उन्होंने बोली है शो में वैसी जबान में हम बात कर रहे थे, और शारिब मैं और मनोज जी, तो बड़ा ही मज़ा आया कि यार हमने सोचा नहीं था इतना बड़ा एक क्रेज़ हो जाएगा शो का। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीजन टू। क्या क्या रिएक्शंस मिले? यार बड़े सारे मिले, बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, मतलब नए कुछ फैंस बने हैं जो मुझे फाइनली गुड लुकिंग बोल रहे हैं तो वो है, एंड एक अलग रूप देखने को मिला मेरा, तो दे आर द व्यूअर्स आर क्वाइट हैप्पी विद दैट। इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के बाहर जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो एक जो हमसे शेयर कर सके? यार मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था फर्स्ट डे, बिकॉज 20th को शो आया और मैं उसी रात को दिल्ली में था, किसी ने शो रात को ही देख डाला, मतलब 19 की रात को अप हुआ था, और सुबह ही वो आदमी मुझसे आके मिला, इट वॉज लाइक केम आउट, मैंने शो देखा नहीं था, सडनली इट केम आउट एज ए सरप्राइज कि यार ये आदमी कब देख के आ गया, तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो बोला सर मैंने रात को अप हुआ और सर मैंने रात भर में देख डाला, सर मैं मुझसे उठा नहीं गया, इतना बढ़िया शो है आपको, तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। मनोज सर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक शॉट है फिल्म के अंदर साथ में, देखेंगे ना पूरे सीरीज में बट हमारी बातें बहुत होती थी सेट पे, हम लोग बहुत बातें करते हैं, मैं भी बहुत बात करता हूँ, बड़ी दोस्ती होगी उनके साथ में काफी अच्छा, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत उनको देख के सीखने को मिलता है, आपको भी सेट पे आएंगे उनको देखेंगे काम करते हुए तो आपको पता चलेगा कि यार वो इतने सहजता के साथ काम करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिससे आपको बड़ा मज़ा आता है सीखने में, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा जितने दिन में उनके साथ मैं रहा या काम किया, तो बड़े अच्छे इंसान है, बहुत मजा किए हैं, बहुत खिलाते हैं। वेब सीरीज कितना लोगों का सोच बदला है देखा जाए तो? करेक्ट, आपके हिसाब से? कॉन्टेंट ऑब्वियसली इंडिया में इतना बन रहा है, और जो लिमिटेशंस थी हमारे पास कॉन्टेंट की, हम ये कॉन्टेंट दिखा नहीं सकते, या इस पर हम ये तो या तो इतना छोटा है जिसको हम एक टीवी शो नहीं कर सकते, या वो इतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसे फिल्म बना सकते। सो ये कहीं ना कहीं अच्छी कहानियों को, अच्छे कंटेंट को एक माध्यम मिल गया बनाने का, और लोग खुल के बना रहे हैं सारे शोज, जो एक थॉट प्रोसेस है उसको पर्दे पे लेके आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर आई थिंक कंटेंट और हम पूरी इंडस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से। ऑफ स्क्रीन किस तरह का माहौल था, जिस तरह आज जैसे कहा कि मतलब काफी बातें हो रही थी? दोस्त है पुराने डी के कृष्णा जो डायरेक्टर हैं, वो साथ में उन्होंने काम भी किया है एज एन एक्टर, तो उनको तो बहुत बुली किया हमने जब वो हमारे साथ एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो दो हैं, राज हैं, राज और डीके कृष्णा मेरे पड़ोसी भी हैं,
और वो डायरेक्टर भी हैं, बट वो एक्टिंग भी कर रहे थे मेरे साथ में। तो हमने प्लान बनाया था, मैंने और राज ने और प्रियामणि ने, कि जब सीन करने आएंगे तो ऑफ कैमरा डायरेक्टर है बट ऑन स्क्रीन तो एक्टर है, और तुमने बहुत खींची उनकी, बहुत टांग खिंचाई की यहाँ पर, बट वी हैड फन, बहुत मजा आया उनको उनकी क्लास लेने में वहाँ पर। तो बहुत नर्वस थे वो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ ठीक लग रही है, सब सब बढ़िया है, करो लाइन सर करके आओ पहले। कुछ इंसिडेंट्स अगर शेयर कर सके तो। ये बहुत कमाल था, क्योंकि हम लोग तो बुली कर ही रहते हैं उनको, जब उनका ही पार्टनर है राज, वो आके बोल रहे शट अप जस्ट डू योर लाइंस, तो हम सब देखना क्या बोल रहे थे। मेरे दोस्त है इतने पुराने, साथ में उन्होंने करियर शुरू किया है, और उसने मतलब राज ने हमारे साथ टीम अप करके बहुत बुली किया डीजे, दैट वाज फनी। देन एक सीन था जहाँ पर्टिकुलरली मुझे याद है, मैं और मेरा और प्रियामणि का सीन है। प्रियामणि बहुत पुरानी दोस्त है मेरी और अच्छी दोस्त है मेरी, उनके हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक सीन था जिसमें वो बैठे हैं, काम की बात कर रहे हैं, सडनली मूवमेंट क्रिएट होता है उनके बीच में, आँख मतलब आई लॉक था, वो देखे और हम दोनों हंस पड़े उसके अंदर। फिर मैं तो उस पर शांत हो गया, वो हर टेक में हंसी जाए हंसी जाए। बोले तो मैंने क्या हो गया तेरे को? बोले तू मेरा दोस्त है, तो ऐसे कैसे देख सकती हूँ यार, मैं चुपचाप दिख ले, शिफ्ट बढ़ने वाली है, उससे अच्छा है कि तू देख ले मुझे 5 मिनट। तो एक काफी सारे इंसिडेंट्स है, मनोज सर के साथ बहुत टाइम पास किया हमने, बहुत सारे वो खिलाते हैं बहुत सारी चीजें अपने घर से ला ला के, तो काफी मजे किए हमने शूटिंग के बीच में। तीनों मीडिया में काम कर चुके हैं बोल सकते हैं, टीवी फिल्में और वेब सीरीज, सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ कर पाते हैं? यार मैं एक्टिंग एंजॉय करता हूँ, मेरा सबसे वो है, हर आदमी से सवाल पूछता है क्या एंजॉय करते हैं, बट मेरे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मेरे लिए वो काम इंपॉर्टेंट है। जो एक प्रोसेस होता है ना, एक शूटिंग, स्क्रिप्टिंग से लेके शूटिंग शुरू होना, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिट, रिलीज, प्रमोशन, उस सब प्रोसेस में बड़ा मजा आता है, और एक्टिंग उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं एक्टिंग को इन्जॉय करता हूँ, मैं मीडियम नहीं देखता हूँ कि यार ये टी वी है या एड फिल्म है या ये फिल्म बना रहे हो आप या वेब सीरीज है या म्यूजिक वीडियो है, क्या है, मैं देखता हूँ कि ऐसे फुल मुझे काम कर रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ मुझे काम कर रहे हैं मजा नहीं आता, तो वो काम में करते नहीं। कहीं ना कहीं देखा तो द फैमिली मैन की प्रमोशन इतने नहीं हुए थे जितना होना चाहिए था, लेकिन लोगों को पसंद आया, तो हम बोल सकते हैं अभी की कंटेंट पे ही लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अब लोग समझ, देखिए वो टाइम था, एक टाइम पे जब आप जब आपके पास ऑप्शंस कम थे, और तो आपको भी एक सिलेक्टिव एक शो बनाना ही पड़ेगा, मतलब जो आपके पूरे मासेस को केटर करता है। फैमिली मैन स्पेशली बिकॉज फैमिली है, बच्चे भी हैं, एक अलग कैजुअल एक चल रहा है इधर, वहाँ एक मिशन चल रहा है, यहाँ टेररिस्ट भी है, केटरिंग टू ऑल द कम्युनिटीज इन द सोसाइटी। बच्चे भी देख रहे हैं उसको, उसको बड़े भी देख रहे हैं उसको, फौजी भी देख रहे हैं उसको, नौकरी पेशा भी देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि यार हाँ यार हम काम करने जाते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारी लगती रहती हर जगह हमारी, तो बहुत मेल स्पेशली वो रिलेट कर रहे हैं। औरतें भी जो बच्चों को भी पाल रही हैं या फिर अपना घर चला रही हैं, वो दे कैन रिलेट टू इट कि यार हमारी लाइफ क्या है हमारे लिए, तो बहुत रिलेटेबल शो है एक तो। और आज की डेट में ना वेब में आपको ऐसा ही कंटेंट देना पड़ेगा जो सारे सब लोगों को केटर कर सके, वो एक सेगमेंट को अगर आप केटर करते हो ना, तो फिर उसका नीच ऑडियंस बन जाता है, तो शायद सब लोग ना देखें उसे, ऐसे शो सब लोग देखेंगे। सेकंड सीजन कब आ रहा है सर? क्योंकि जो इंतजार हमने एक फर्स्ट के लिए किया है, अभी शूटिंग शुरू हुई है, आई थिंक सेम टाइम नेक्स्ट ईयर आई थिंक हो जाएगा। क्योंकि सर जो सेक्रेट गेम अभी जो सेकंड पार्ट जहाँ छोटा है, लोग अभी भी उत्सुक है थर्ड पार्ट के लिए, उसी तरह से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो, जैसे छोड़ा चार एंगल से छोड़ दिया तो वो दैट्स अ हाई पॉइंट ऑफ द शो, और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वहाँ से, बट एक साल तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि शूटिंग में काफी टाइम लगता है, फिल्म जैसी शूट होती है बड़ी सी काफी, तो वो है, बट इंटरेस्टिंग है सेकंड सीजन भी बहुत, इतना मैं बता सकता। इसके अलावा हाउसफुल 4 भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर को काफी अच्छा और यहाँ तक के ट्रेंडिंग में चला गया है। ट्रेलर बहुत फनी है, मैंने भी कल ही देखा, बहुत फनी ट्रेलर है, बहुत बहुत मजा आया, तो मैं भी देख रहा हूँ फिल्म कैसी लोगों को पसंद आती है, आएगी आगे ऑब्वियसली, लिखा हुआ है वो ब्लॉक बस्टर उसके ऊपर, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो एक सुपर हिट फिल्म होगी। फाइनली क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा यार कि अभी आप जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो आप लोग काफी सारा सपोर्ट रखते हैं मेरे लिए, और रखते आए हैं आज तक, तो यही बरकरार रखिए मेरे लिए और बढ़ाइए थोड़ा सा, ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।